नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज नगर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नागौर रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि राजस्थान राज्य में मौजूद है। दोस्तों यह ए कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है और यह रेलवे स्टेशन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के जोधपुर डिवीज़न के अंदर आता है, जो कि समुद्र तल से 280 मीटर की ऊँचाई पर मौजूद है। और दोस्तों यहाँ का स्टेशन कोड NGO है। दोस्तों आपको बता दूं कि यह रेलवे स्टेशन प्रतिदिन 45 से भी अधिक ट्रेनों को ऑपरेट करता है और यहाँ से प्रतिदिन 20,000 से भी अधिक यात्री पास होकर गुजरते हैं। और दोस्तों नागौर जिले का यह प्रमुख एवं सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी है। दोस्तों यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की संख्या 2 हैं। नंबर ऑफ फोल्डिंग ट्रेनों की बात करें, यानी जो ट्रेनें यहाँ से पास होकर गुजरती हैं और यहाँ पर रुकती हैं, उनकी संख्या 49 है। और जो ट्रेनें यहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत और यहाँ पर अपनी जर्नी का अंत करती हैं, उनकी संख्या मात्र 0 है। दोस्तों आपको बता दूं कि यह रेलवे स्टेशन देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों एवं देश के विभिन्न बड़े नगरों से सीधा कनेक्टेड है और यहाँ से पास होने वाली ट्रेनों में शामिल है श्री गंगानगर कोटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस, जम्मू तवी अहमदाबाद एक्सप्रेस, प्रताप एक्सप्रेस, राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, लीलैंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस, रणकपुर एक्सप्रेस, MK एक्सप्रेस, सुपर फास्ट डेमू मेमू पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में। तो इस स्टेशन को खोला गया 19वीं शताब्दी में और अभी यहाँ पर सिंगल डीजल लाइन मौजूद है, जिस पर डीजल लोकोमोटिव का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस नागौर रेलवे स्टेशन ही। अगर आपको मेरी जानकारी इस स्टेशन के बारे में पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन सभी को जय हिंद, जय भारत।